सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, पता नहीं किसको मिलेगा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट तो मुझे ही मिलेगा, मेरे अलावा है कौन? मैं नहीं तो कौन बे? 2 दिन तो मैंने कमाल ही कर दिया, आज बस एक और दिन, आज के दिन भी मैं कमाल करूंगी। कमाल धमाल सब मैं ही करूंगी, भले ही मेरे 2 अटेम्प्ट फेल गए, पर हार के जीतने वालों की बाजीगर कहते हैं, अभी हार के जीतने वाले को सुमित्रा कहेंगे। हाय हाय, इतना क्या हो रहा है? क्या करूं, हाय कमरिया दुखी जाए रे, मेरी कमरिया, काम कर करके मेरी कमरिया का कुरकुरा हो गया, ऐसा कर दिया टूट जाएगा, इतनी नाजुक हो गई। बस एक दिन काम किया तुम्हारी कमर टूट गई, इंस्टाग्राम पे पूरे 206 बोन्स हिलाती हो तब तुम्हारी कमर को दर्द नहीं होता? बढ़िया है, काम करने के लिए इनकी कमरे दुखती है, सिर दुखता है, ये दुखता है, वो दुखता है, सब दुखता है, बस काम नहीं करना होता ना। खुद ने तो कल कुछ काम नहीं किया, आज प्रवचन झाड़ रहे। शर्मिला खाने को दो। देखिए सूरी, आज के दिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा एडजस्ट कर ली, मैं कुछ समझा नहीं। शर्मिला ठीक से बोलो, क्या बात करना चाहती हो तुम? वो दरअसल तुमने खाना नहीं बनाया, नहीं बनाया तुमने खाना आज भी? ससुर जी, शुरू हो गई अनलिमिटेड औरत, सुबह जैसे ही होती है, ससुर जी ससुर जी ससुर जी, अब नहीं दुखती क्या कमर? नोटों की कितनी नोटों की बात हो ललिता, तुम गई गई कॉमेडिया गई, ड्रामा क्वीन, नाटी किंग, जाओ जाओ ऐसे देखो मत। ए, पापा को बुलाने की क्या जरूरत है, हर बार ससुर जी ससुर जी ससुर जी। ए असुर जी, क्यों इतना बकासुर बन रहा है, क्या हुआ सुन भाई? ससुर जी, आज मेकअप के कोर्स का 3रा दिन है, बहुत देर जाने वाला है, इसलिए मधुरा ने हमको जल्दी बुलाया, तो मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं किया, इनको भूख लगी तो बोला बाहर खाओ, तो मेरी सुनते नहीं, इनको थोड़ा बोले ना एडजस्ट करने के लिए। क्या रे, आज उसका आखिरी दिन है ना, कम से कम आखिरी दिन तो उसे खुशी खुशी विदा कर, नहीं इनके पेटों में चूहे दौड़ने लगते हैं। धीरे बोलिए, सोसाइटी का चूहा सुन लेगा। लगता है कोई याद नहीं कॉल रहा है। ये देख, उसको जाने दे, तू बाहर जाके कुछ खा के आ। बस पापा, अब मैं और नहीं सहन कर सकता, एक तो मुझे कल तुम्हारी वजह से छुट्टी जानी पड़ी, पता है मीटिंग थी मेरी इंपॉर्टेंट, प्रमोशन मिलने वाला था मुझे। वो तो अच्छा हुआ मीटिंग नहीं हुई, आज मीटिंग रखिए, आज मैं काम पे जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं काम पे जाऊंगा, और ये घर के जो काम है मैं नहीं करने वाला, ये घर के काम बाहर में जाए, मैं नहीं करूंगा ये घर के काम, मैं घर के काम करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मुझे ऑफिस में जाके बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ये सब तुम करो और फिर जाओ, वैसे मत जाओ, मैं काम नहीं करूंगा, या फिर शिला से करवाओ, मैं काम नहीं करूंगा। क्या बोला? मैं काम नहीं करूंगा, भाड़ में जाए घर का काम। क्या बोला तो तुझे? चल, अरे क्या हो गया? पापा पापा, ससुर जी, अरे आइए आइए इधर आइए आइए, लेट जाइए लेट जाइए, तशरीफ फैलाइए। सासु माँ रखिए, होता है फैलाइए नहीं। ओ रखिए, आराम से रखिए तशरीफ। आप ठीक तो? मैं टेको टेको, इतना कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं क्या कुछ नहीं, अभी कितना तकलीफ हो रहा था आपको? हाँ पापा। सासु माँ, क्या हुआ, काहे गला तान रही है? श्रेया के दादी जी को अटैक आ गया है दिया, क्या बात कर रही है? अभी आराम कीजिए आप, मैं और कुछ नहीं जानती, आराम कीजिए। चलो चलो देखते हैं उनको। रुकिया, वो बदम कैसे दिख रहे हैं हाथ में, उनको अटैक आया, उनके सामने आप ऐसे खाओगी? चल चल, बार बार बादाम खाए, कितनी बार मना किया मैंने, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। शतमा हमारे, जल्दी आइए, श्रेया के दादाजी आखिरी सांसें ले रहे हैं। ए चुचुंदर मुखी औरत, कुछ भी क्या बोल रही है, कुछ नहीं हुआ इनको। क्या बोल रही है लैला? कुछ नहीं हुआ, फ्लॉप शो है, चलो घर। काहे कुछ भी अफवाह फैलाती है, चल घर, तुझको देखते हैं। देखो थोड़ा सा दुख रहा था, अभी नहीं दुख रहा। सुन भाई, तुम जाओ अपने मेकअप का कोर्स के लिए। आको भाई, नहीं नहीं ससुर जी, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के मेकअप का कोर्स में जाऊंगी? भाड़ में जाए वो कोर्स, मुझे आपकी बहुत चिंता हो जाएगी, मैं वहां पे मेरा मन भी नहीं लगेगा, मैं नहीं जाऊंगी।
मैंने कहा ना तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, जाओ। ठीक है सर, सुरजी मैं जाती हूँ, पक्का जाओ ना। वाह वाह, बस बोलने की कमी है, मैडम चली मटक मटक के मेकअप की धज्जियां उड़ाने। तेरे अंदर कुछ मैनर्स वैनर्स है कि नहीं? अपने ससुर को इतना बड़ा झटका आया अभी, उनको ऐसी हालत में छोड़ के मेकअप का मटका मारने जा रही है तू? नहीं है माँ, उसके अंदर मैनर्स मैनर्स लेस है वो। इन नलायकों की बातें क्या सुन रही हो? इनको तो बस दिन भर ट्री में बैठ के एंजॉय करना होता है। खुद ने तो कुछ किया नहीं, दूसरा कुछ कर रहे उसे टोकते हैं। बॉस कितना बोल रहे हो आप, अभी इतना जोर का झटका आया आपको? कोई झटका नहीं आया मुझे, नॉर्मल था। नॉर्मल क्या नॉर्मल, मैंने मेरी आंखों से देखा, ऐसा कर रहे थे आप, नॉर्मल बोल रहे हो? ओहो, आप तो मिमिक भी करती हो लोगों के। शुक्रिया। तारीफ नहीं कर रहा मैं। सुन भाई तुम जाओ। नहीं ससुर जी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं पे नहीं जाऊंगी। अरे जाओ सुन भाई, मैंने कहा ना जाओ। अरे जा ना, एक और झटका देगी क्या इनको? ठीक है जाती हूँ, जल्दी आऊंगी। भाई ख्याल रखना, दवाई निकल के रखी मैंने आपके, पानी भी। हाँ वहाँ पे, ख्याल रखना। माँ आप घर के काम कर लोगी, मुझे जरा ऑफिस में करता हूँ मैं कर। ये देख, मैं कोई काम नहीं करने वाली आज, इनकी तबीयत खराब है, इन्हीं के पास बैठूंगी। कोई जरूरत नहीं यार। और ये क्या हालत देखे आपकी, कितनी नाजुक हो गई, कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं हुआ, अगर तुम बैठोगी तो हो जाएगा। उठाओ। चल। ए उस शीला को उठा, जाओ जाओ, आज मैं कुछ काम नहीं करूंगा। आपको काम नहीं करना था इसलिए सब नाटक किया? मैंने ऐसा बोल रही, मैंने ऐसा, मेरा गंदा वाला मन बोल रहा है, मैंने ऐसा बोल रही। चलो बेटा काम करते हैं, चलो चलो। ए सुन, पोछा मार। ठीक है माँ। पोछे से पहले झाड़ू मार फिर पोछा मार। इनको ऐसा ही चाहिए, सुनबाई का काम इजी लगता है ना, करो आप सुनबाई का काम। शिला, मायावी असुरनी, व्हाट? मामी क्या हुआ? ए मम्मी कुछ नहीं हुआ, घर के काम कर। आज भी काम करने मम्मी? हाँ करने ना काम, एक दो नहीं चार पांच। तेरी भाभी छोड़ के गई है ना प्यारी प्यारी, वहां पे जाके मेकअप करी, इधर हमारी काम करने की बारी। क्या मजबूरी, क्या मजबूरी। व्हाट? नहीं मम्मी, मेरे हाथ जल गए, कल मैंने बहुत ज्यादा कपड़े धोए, आज मैं उठ भी नहीं सकती मामी। ऐसे नहीं मानेगी, चल वन आज। मम्मी काम कर। ओफो, नौटंकी करती है, पर अच्छे से साबुन लगा के कपड़े धोना आज, बिना साबुन के कपड़े धोती है। अच्छा सुनो ना, मैं आज तुमको ज्यादा कॉल नहीं कर सकती, दुल्हन बन रही हूँ ना। पागल हो क्या? मैं तेरी दुल्हन बनूंगी, अभी तो ब्राइडल लुक चल रहा है, लास्ट का दिन है कोर्स का, तो मैम ने आज मेरे ऊपर ब्राइडल का एक्सपेरिमेंट करने वाली। कोयल। हाँ तो मैं पिक्चर भेजती हूँ ना। कोयल तुम बताना कौन सा अच्छा है, फिर हम वो करेंगे। कोयल ऐसा चुड़ैल बुला रहे, रुक। मैम आपने बुलाया? क्या है, मैं कितनी बार तुम्हें चिल्लाती हूँ, कहाँ पे खोए होती हो तुम? सॉरी वो थोड़ा मोबाइल, मोबाइल का बहाना मत, मोबाइल दो इधर, किससे बात करती रहती हो तुम, मोबाइल दो तुम्हारा। नो मैम। मोबाइल दो। नो मैम इट्स पर्सनल, आप किसी की पर्सनल जिंदगी में इसे इंटरफेयर। वैसे अच्छे दिख रहे हो इसमें। थैंक यू मैम। मुंह अच्छे से साफ कर लिया। मैम आज मैंने लगाया ही नहीं, मुझे पता था यहाँ पे आने के बाद मेरे ऊपर चढ़ेगा, इसलिए मैंने चढ़ाया ही नहीं सुबह। आज हमारा लास्ट डे है, तुम्हारे ऊपर काफी सारा मेकअप चढ़ने वाला है, थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ बच्चा। आई एम रियली सॉरी, उसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा के पैसे भी दे रही हूँ, तुम्हें बताए वो। अच्छे से अपना ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा मेकअप चढ़ेगा आज भी तुम्हारे ऊपर, उसके लिए फिर से सॉरी, बट तुम ये करना चाहती हो इसलिए मैं तुम्हें ले रही हूँ। मैम पर मैं नहीं करना चाहती, बहुत मेकअप लगता है। तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। फाइनली आज मेरा फ्री का कोर्स खत्म हो जाएगा, इस फ्री के कोर्स के लिए बहुत चक्की पीसी है मैंने। सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे हुई है मैम, आप क्या खड़े खड़े मेकअप थोपती हो, सिर्फ मेरे ऊपर ही चढ़ता है, आपको पता ही निकालने में कितना तकलीफ होता है। जाओ बाहर, आते ही होंगे वो। हेलो मधुरा। हेलो बच्चा। सो कैसे हो आप सब? एकदम सर।
ऑल गुड, बहुत अच्छे। और आज का फाइनल डे के लिए बहुत एक्साइटेड है। आज हमारा तीसरा और आखिरी दिन, आज के बाद हम ऐसे नहीं मिल पाएंगे, इतनी देर बातें नहीं कर पाएंगे। थैंक गॉड। बाबू ओके, आज सब प्रिपेयर होके आए हो। आज हम करने जा रहे हैं ब्राइडल लुक। ब्राइडल लुक बहुत इंपॉर्टेंट आता है मेकअप में, सबसे इंपॉर्टेंट लुक होता है ब्राइडल का। हम एक दुल्हन को सजा रहे हैं उसकी नई जिंदगी के लिए, उसकी नई शुरुआत के लिए। तो ब्राइडल लुक में आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो क्लाइंट है, जो दुल्हन है, वो अच्छे से रहे, वो टायर्ड ना हो जाए, बिकॉज टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग मेकअप होता है ब्राइडल लुक। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसके साथ थोड़ा सा फन वे में बात करो, थोड़ा चिल होके बात करो। बहुत देर बैठना पड़ता है आपको, भी बहुत देर खड़े रहना पड़ता है। बार बार सुसु के लिए, पॉटी के लिए ऐसा मत करना उसके आगे, ओके? सब पहले से करके आना। जब आप मेकअप स्टार्ट करते हो, ख़त्म होने तक आप हिलने नहीं चाहिए। दुल्हन हिले ना हिले, आप नहीं हिलने चाहिए। एटलीस्ट एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा जाता ही है प्रॉपर ज्वेलरी वगैरह सब। मेरे पास आज सब ज्वेलरी है, साड़ियाँ, कॉस्ट्यूम सब है। आप अपने हिसाब से चूज कीजिए आपको कौन सा लुक करना है। सबसे पहले मैं कोयल के ऊपर लुक करूँगी। कोयल आजा बच्चा बैठ। तो ब्राइडल लुक में सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो जैसे कि इसका हमें स्किन टोन बताया, अपने बेसिक सब कुछ जान लिया है, फटाफट शुरुआत करते हैं ब्राइडल लुक की। सबसे पहले मैं कुछ टिप्स देती हूँ आपको लुक के बारे में। जब भी दुल्हन आपके सामने आके बैठती है ना, सबसे पहले देखिए उसने क्या पहना है। अगर वो लहंगा बाद में पहनने वाले हो या फिर मेकअप के बाद कुछ करने वाले, यूजुअली वैसा करते नहीं, मेकअप उसी के साथ होता है। अब देख लीजिए क्या पहना है उसने, उसके हिसाब से चूज कीजिए। अगर आपको ये बात पहले से पता है वो क्या पहनने वाली है, अपने क्लाइंट को पहले से बोल दीजिए कि आप क्या पहनने वाले हो, कलर बताओ, आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हो। अभी इसने पहना है रेड, पहना है हरा है, रेड और हरा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप किसी भी दुल्हन को मेकअप करने जाते हो, सबसे पहले आपको यही देखना है कि वो कैसे क्या पहना है उसने, उसके साथ हिसाब से आपको ज्वेलरी डालनी है, उसके हिसाब से आपको मेकअप करना है। अच्छा, शुरुआत करते हैं मेकअप को। पेन पेपर रेडी? हाँ, लेट्स गो। अभी आप सब की बारी, आप सब मेरे सामने एक एक करके कोयल के ऊपर मेकअप करो। कोयल मुंह धो के आओ। ओके मैम। सबसे पहले कौन आएगा? सुमित्रा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नॉटी स्टूडेंट, डोंट वरी, आज तुम्हारे ऊपर मैं बहुत अच्छा मेकअप करूंगी। एक काम करो, तुम कौन सा वाला पहनो? हाँ, ये वाला पहनो तुम आज, गुलाबी कलर का, थोड़ा सा इंटरनेशनल लुक करती हूँ, जाओ। मधुरा हो गया। वाह सुमित्रा जी, आज आपने सच में कमाल कर दिया। मैं कोई भी इसमें खोट नहीं निकाल सकती, काफी अच्छा किया। और आपने अपना टच जो दिया है, थोड़ा सा इंडियन भी है, वेस्टर्न भी लग रहा है, ऑसम, मुझे काफी अच्छा लगा। शशि बहन आप ट्राई कीजिए। कोयल बहन आप ये पेन क्या हो, और ये ऊपर का आप खोला कर देना, मुझे पसंद नहीं आ रहा वो। अब दिख रहा है? अच्छा, अब मैं करती हूँ आपको एकदम 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 सरस। ए हेलो, डरे मत, गरबा स्टाइल मेकअप इंटरनेशनल। Awesome look. I absolutely love this look. Thank you so much.
शर्मिला जी आप ट्राई कीजिए। कोयल तुम ये साड़ी पहनो, ये महाराष्ट्रीयन लुक करती। कोयल मुद हो गया। आगो भाई नवराई मचिलाड़ चिलाड़ चिग एकदम मराठी मुलगी दिसती है, एकदम मराठी मुलगी से दिख रही हो तुम। मधुरा जी हो गया। वाओ शर्मिला, शी इज लुकिंग सो फैबुलस इन दिस। गाइस प्लीज देखिए कितना अच्छा लुक किया सच में शर्मिला जी, बहुत अच्छा लुक है। आई एब्सोल्युटली लव दिस लुक। वाओ 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 काफी अमेजिंग लुक्स रहे, बताती हूँ मैं क्या हो। वाओ क्या बात है, आज मुझे किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं आ रहा, बिकॉज आप तीनों ने कमाल कर दिया। पिछली बार जो हुआ हमारा पार्टी वाला लुक, उसमें सुमित्रा जी आपकी मिस्टेक थी, बट आज आपने एक भी मिस्टेक नहीं की। क्या लुक, मुझे आपका लुक बहुत अच्छा लगा। थोड़ा हटके था, इंडियन तो था ही, बट थोड़ा आपने वेस्टर्न सा लुक किया था। अमेजिंग सुमित्रा जी, थैंक यू सो मच। तो आप, जैसा कि मैंने कल कहा था, आप तीनों में से किसी एक को मैं दूंगी मधुरा का सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हो। तो आप आगे जाके अपना खुद का ब्यूटी पार्लर शुरू कर सकते हो, मेकअप कुछ शुरू कर सकते हो, कुछ ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने कंप्लीट किया है, मुझे खुद आता है। तो एक होता है ना वो ब्लू टिक होता है इंस्टाग्राम पे, इस पे उस पे, वैसा आपको एक ब्लू टिक दूंगी, ब्लू टिक दूंगी मैं आज। किसको जाएगा अभी अब क्वेश्चन है। वैसे आप तीनों ने कमाल कर दिया, तीन दिन में आपने बहुत कुछ सीखा है। बट जो स्टूडेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया और जिसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, साथ ही मुझे उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल दिखता है, वो है शर्मिला जी। आ जाइए, अब सर्टिफिकेट आपका है। मुझे सर्टिफिकेट ऑसम, आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गया, आपने काफ़ी अच्छा किया। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, बट आई एब्सोल्युटली लव यू, काफ़ी अच्छा किया। क्लैप कीजिए जरा। शर्मिला बहन कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन उसकी भाषा में बोल रही हूँ, उसको समझ आएगा। एंड यू टू ऑल्सो, आप दोनों ने भी काफ़ी अच्छा किया। आप दोनों के अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल है, बट जो हमारा टॉपर है वो है शर्मिला जी, और आप दोनों भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो। सुमित्रा जी आज आपने भी कमाल कर दिया, आप सब तीनों अपना वक्त दिया आपने मेरे लिए, यहाँ पे आई, फ्री का कोर्स सीखा, भले ही फ्री का था पर फिर भी आपने दिल जान सब लगा के सीखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं चाहूँगी आप फिर से आओ और भी कंपोजिशन कोर्स करो और भी कुछ सीखो, मैं दिल से चाहती हूँ। मधुरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, घर के काम कर करके हम भी बहुत बोर हो गए थे, आपकी वजह से हमें कुछ नया सीखने को मिला, काफी अच्छा लगा। हम ये एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलेंगे मधुरा बहन, जिस हाथ में बेलन होता था उसमें आपने ब्रश पकड़ा दिया, पर फिर भी हमने हमारा पूरा दिया और काफी कुछ सीखा, कभी नहीं भूलेंगे इसको। थैंक यू, थैंक यू, बाय मधुरा, बाय बच्चा, बाय ऑल, बाय। शर्मिला जी अपनी सास को दिखाना जरूर। हाँ दिखाऊंगी। हस्बैंड को भी दिखाना वो। हाँ उनको भी दिखाऊंगी। टावेल वाले।